हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। तो आज मैं आपको बताने वाली हूँ एलोवेरा जेल के फ़ायदे, जो कि सर्दियों में बहुत अच्छा काम करता है। इसके एक नहीं बल्कि अनेक फ़ायदे हैं आपकी स्किन को। तो हेलो जी, चलिए शुरू करते हैं हमारा आज का वीडियो। तो जैसे कि आपको पता है कि सर्दियों में जो हमारी स्किन है वो ड्राई हो जाती है, इसके कई कारण होते हैं। फर्स्ट, कई बार तो जैसे सर्दियों में ठंडी हवाएं चलती है, उसकी वजह से भी हमारी जो स्किन है वो ड्राई हो जाती है, ठीक। और दूसरा ये है कि कई बार हम धूप में ज़्यादा बैठते हैं सर्दियों में, तो धूप की वजह से कुछ लोगों की स्किन काली पड़ जाती है। जैसे कि गर्मियों में उनकी स्किन अच्छी होती है, फेयर होती है, पर उनकी जो सर्दियों में स्किन है वो फेयर से काली पड़ जाती है। तो उसके लिए ये दोनों, अगर आपको प्रॉब्लम आ रही है तो उसके लिए आपने यूज़ करना है एलोवेरा जेल। और इसके और भी बहुत सारे फ़ायदे हैं जो मैं आपको बताने वाली हूँ। तो ये मेरे पास है नेचर का एलोवेरा जेल है, आप चाहो तो प्लांट से डायरेक्ट निकाल सकते हो। उसके लिए लीफ लेना होगा प्लांट का, और उस पर जो वाइट पार्ट होता है ना उसका, वो निकाल लेना, जो जेल होती है वो निकालनी है आपने, और उसको फिर जेल को अप्लाई करना है। तो देखिए, ये भी बिल्कुल नेचुरल है, बाहर से इसकी बॉटल ग्रीन है बट अंदर का जो प्रोडक्ट है इसका वो बिल्कुल नेचुरल है। इसमें कोई भी कलर ऐड नहीं किया गया, जैसे हम प्लांट से लेते हैं वैसे वाइट है, ठीक है। इस टाइप का जेल आपको प्लांट से, जो उसका पत्ता होता है ना एलोवेरा का, उससे इस टाइप का जेल ही मिलेगा। तो आपने चम्मच से या फिर करद से, नाइफ से उसे निकाल लेना है, ठीक है। तो फिर अप्लाई करना है, ऐसे लेकर आपने डायरेक्ट इसको लगा लेना है। तो ये बहुत अच्छा काम करता है ये, इसके काफ़ी फायदे हैं स्किन को। एक तो ये मॉइस्चराइज़र का काम करता है, अगर आपने कोई क्रीम नहीं लगानी, आप पर कोई क्रीम सूट नहीं करती, आप केमिकल से दूर रहना चाहते हो, तो आप इसे ही लगा सकते हो। ये नेचुरल क्रीम का काम करता है, पहली बात है, ठीक है। और दूसरी बात ये कि ये आपकी स्किन को ड्राई होने से बचाता है, ठीक है, मॉइस्चराइज रखता है। और अगर आप धूप में जाते हो तो ये सनबर्न से भी बचाते हैं, आपको सन टैन की कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी अगर आप इसे लगाकर बाहर धूप में जाते हो, ठीक है। और तीसरी बात इसकी ये है कि अगर आपकी स्किन थोड़ी ब्लैक हो गई हो, जैसे गर्मियों में अच्छी होती कुछ लोगों की, सर्दियों में थोड़ी ब्लैक पड़ जाती है, तो आपको ये रेगुलर आप डेली लगाओगे तो आपकी स्किन फेयर होनी स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है। और एक और पॉइंट इसका ये है कि अगर आपकी स्किन पे पिंपल्स है, या तो फिर आपकी स्किन पे दाने हैं, तो उसके लिए भी ये बहुत अच्छा काम करता है, ठीक है। तो मैंने एज ए इसे क्रीम, या तो आप कुछ भी बोल सकते हो, क्रीम या फिर आप प्राइमर बोल सकते हो, वैसे इसे लगा लिया, ठीक है। उसके बाद अगर आप रेगुलर जो डेली मेकअप करते हो वो कर सकते हो। उसके बाद जैसे मैंने ये कम्पैक्ट लगाया हल्का सा, ठीक है, हल्का सा हमने लगाया कम्पैक्ट, जैसे हम डेली मेकअप करते हैं ना वो। तो और उसके बाद हमने लगा ली अपने फाइनल टच के लिए लिपस्टिक, जो भी आप लगाना चाहते हो वो लगा ली। तो जो आपका लिपस्टिक लगानी है आपने, तो इससे आपका जो डेली का मेकअप है वो भी कंप्लीट हो जाएगा। प्लस आपको एलोवेरा के बहुत सारे जो फ़ायदे मिलने वाले हैं सर्दियों में, विंटर में, वो भी मिल जाएंगे। तो अगर आपने ट्राई नहीं किया तो जरूर से ट्राई करना। मैं ये नहीं बोलती ये वाला लो, जो भी आपको मिलता है ऑनलाइन, ऑफलाइन, या तो फिर आपको किसी प्लांट से लेना है, तो एलोवेरा जूस से ट्राई करें, बहुत अच्छा होता है स्किन के लिए। और इसके और भी बहुत फ़ायदे हैं, बालों पर भी यूज़ किया जाता है, बट आज मैं आपको इसके स्किन के लिए फ़ायदे बता रही हूँ।
तो सर्दियों में बहुत ज़्यादा काम करता है, रामबाण का काम करता है। जरूर से ट्राई करें और आपका क्विक सा रिव्यू मेरे साथ शेयर करें। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सी यू, टेक केयर, बाय बाय।